तो तलवार उठा मेरी तरह, हमसे कुछ दिन की हिमायत नहीं होने वाली, अब जो फैसला होगा यही होगा, हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। ये उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, यही लड़ेंगे, यही मरेंगे और यही दफन होंगे। मैं नारा तकबीर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोग नारा तकबीर लगाए, मैं उन लोगों कोई मुझसे इस बात पर बहस कर सकता है कि नारा तकबीर क्यों ना लगाए अकेले में आकर, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है और हम इसी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम मुसलमान नहीं होते तो हम भी उस बिल में शामिल हो जाते हैं, मुसलमान होने की वजह से ही तो हमें दूर किया गया है। आप इस सच्चाई को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? आज नहीं तो कल आपको ये सच्चाई कबूल करना पड़ेगी, चाहे आज करो या कल करो, ये आपके ऊपर मुनहसर करता है कि आप कब करोगे। सबको शामिल किया गया, सिर्फ मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, उसको देख अंधा बहरा और पागल आदमी भी समझ सकता है क्या है। हम लोग जो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, उनका वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद करते हैं लोग, लेकिन जो नहीं है उनकी मर्जी। तो नारे नारे तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इंकलाब इंकलाब। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथी। बहुत सारे साथी कहते हैं नारा तकबीर लगवाना गलत बात है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। नारा तकबीर सिर्फ अरबी का एक अल्फाज है, लेकिन उसके मायने वही होता है जो ओम नमः शिवाय का होता है। अल्लाह एक है, भगवान एक है, बस उनके अल्फाजों को बदल दिया जाता है। हमें ये आजादी हमारा कानून देता है, संविधान देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन आज उस तरीके को उसको रोका जा रहा है, लेकिन हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको रोकने नहीं देंगे। और सभी से दरख्वास्त है आज ही जाना कि नमाज में भी वक्त होता है। एक आदमी यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, वो एक आदमी को देखकर यहाँ से निकल जाते हैं। अपना ऐसा तरतीब बिठाए कि कुछ लोग नमाज पढ़े, कुछ उनके आने के बाद पढ़े, कुछ उस मस्जिद में बाद में होती है तो कुछ इस मस्जिद में, उस तरीके से तरतीब बिठा ले। ब्याह शादियों में तो आप सोचते हैं कि अभी ठुकाई में बाद में पढ़ लेंगे, ये भी तो एक काम ही है ना। आज के लिए जो जुनून जो जज्बा है आज वो काबिले तारीफ है, और ये हिम्मत देता है, बहुत ज्यादा हिम्मत देता है सभी को जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, जो यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं सलामू भाई से कल कह रहा था कि मैं चला जाऊंगा कल, मुझे भी काम है, मेरी भी पढ़ाई रुकी हुई है, तो कई सारे साथियों ने कहा कि भाई मत जा, और फिर मेरे उसमें कुछ देना था तो हम नहीं थे, लेकिन आपके लिए इसलिए नहीं थे क्योंकि आप यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं जो अपनी कुर्बानियां अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो कैसे ही भी हो, यहाँ पर उनकी कुर्बानियां जारी हैं। इन कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, इन कुर्बानियों को हम याद रखेंगे। ये वक्त वो दौर है जब हम आजादी के बाद उस दौर में खड़े हैं जब हमें जरूरत है एक और आंदोलन की, एक और इतिहास रचने की, उनके खिलाफ जिन्होंने पहले देश तोड़ा था उनके खिलाफ लड़ने के बाद आज अपने देश के गद्दारों से लड़ने की। उम्मीद है, कल भी हमने कहा था, आज भी नेताओं से कहते हैं, उनके लोगों से कहते हैं, वो अपने नेताओं को बुलाए, नहीं तो जमना पार की बातें कर ली हो चुकी थी। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इतने बुजुर्ग वो भी नहीं है हमारे पास, उनसे ज्यादा बुजुर्ग है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। सबकी उम्र ठीक ठाक है, 50 भी अभी अटक करते हैं। मम्मन साहब तो है ही युवा दिलों की धड़कन, आफ्ताब अहमद कल ला चुके हैं, कहता है ना, हम कहते हैं आप युवा दिलों की धड़कन हैं। इन युवाओं से भी दरख्वास्त करते हैं आप अपनी धड़कनों को बरकरार रखिए, इसका हिस्सा बनिए,
आपको जिस चीज से दिक्कत होगी उसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कम से कम यहाँ आइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। यहाँ पर आपका इंतजार हो रहा है, मेवात आपका इंतजार कर रही है, मेरे नेताओं आपका इंतजार कर रही है। अगर आज आप यहाँ नहीं आए तो हम आपको बुला देंगे, हमने कल भी कहा था, इनको आना पड़ेगा, इनको आना ही चाहिए। अगर शर्म है इनके अंदर तो आना ही चाहिए, नहीं तो इनको भुला दिया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को।